दोस्तों, योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ का सफर आसान और तेज बनाने के अलावा रास्ते में पड़ने वाले जिलों के विकास का भागीदार भी बनेगा। 2250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा और इन जिलों में नेशनल हाईवे से तो कई जगह स्टेट हाईवे से इंटरचेंज के जरिए जोड़ने की योजना है। साथ ही जरूरत पड़ने पर जिला मार्गों से भी इसे जोड़ने की तैयारी है। मेरठ से प्रयागराज तक रास्ते में कई महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे पड़ते हैं, जिनसे कनेक्ट होने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे लाखों लोगों के लिए सहूलियत भरा हो जाएगा। इसके निर्माण का जिम्मा संभाल रही यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण के साथ ही आसपास के इलाकों में तेजी से विकास होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाले हाईवे और महत्वपूर्ण रास्तों से जोड़ने से उस पर जाना तो आसान होगा ही, वहां के लोगों और स्थानीय बाजारों व उद्योगों को भी इससे बड़ा लाभ होगा। आवागमन में लगने वाला समय बचेगा। एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ में मेरठ बुलंदशहर से होगी और यह प्रयागराज तक जाएगा। रास्ते में इंटरचेंज के जरिए हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर NH24 से जुड़ेगा। मेरठ में इसकी लंबाई 15 किलोमीटर होगी। इसके बाद पड़ने वाले संभल में बबराला चंदौसी NH509 से भी इस पर जाना आसान हो जाएगा। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के करीब से गुजरेगा। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे 27 से उतरने के लिए यहां भी इंटरचेंज बनाने की तैयारी है। उन्नाव में एक्सप्रेसवे 105 किलोमीटर लंबा होगा, यानी सबसे बड़ा इस्तेमाल का केंद्र यही होगा। इसी तरह एक्सप्रेसवे रायबरेली में लालगंज NH27 पर व रायबरेली ऊंचाहार NH30 से जोड़ने के लिए दो इंटरचेंज बनेंगे। आखिर छोर पर यह प्रयागराज बाईपास से मिलेगा, जो नेशनल हाईवे 19 से जुड़ा है। इसके अलावा एक्सप्रेस वे से स्टेट हाईवे और जिलों की सड़कें भी कई जगह जरूरत के अनुसार जुड़ेंगी। बुलंदशहर गढ़मुक्तेश्वर राजमार्ग 65, चंदौसी बदायूं राजमार्ग 125, बदायूं बरेली राजमार्ग 33, फरुखाबाद शाहजहांपुर राजमार्ग 29, बिलगांव सांडी राजमार्ग 138, कन्नौज हरदोई राजमार्ग 21 इससे जुड़ेंगे। इसी तरह हसनपुर अनूपशहर प्रमुख जिला मार्ग 162 और अनूपशहर मुरादाबाद जिला मार्ग भी इससे जुड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर पूर्वांचल तक तरक्की के रास्ते खोलेगा। योगी सरकार का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे आने वाले सालों में लाखों यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत का सबब बनेगा। एक्सप्रेसवे न केवल प्रयागराज से मेरठ तक का सफर आसान करेगा, बल्कि कई जिलों से नेशनल हाईवे के जरिए इस पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे तक कुछ अहम जगहों से भी पहुंचने के लिए राजमार्ग भी जरिया बनेंगे। 12 जिलों से गुजरने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग, 6 राजमार्ग, 1 एक्सप्रेसवे वे 3 जिले मार्ग से जुड़कर इसे जनता के लिए और उपयोगी बनाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।